अस्सलाम वालेकुम फूडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। खुशामदीद आप सभी को मेरे चैनल पर। तो एक और न्यू रेसिपी, और आज की रेसिपी है झटपट वाली ड्रिंक। अगर आपको अपने गेस्ट को सर्व करनी है या फिर आपने कभी कोई पार्टी में बनानी है तो ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बेस्ट होती है। बिस्किट्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, ओरियो बिस्किट और बॉबन बिस्किट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही डिलीशियस सी ड्रिंक बनाई जाए, जो कि होगी बिस्किट चॉकलेट ड्रिंक। यस, तो बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम ये ड्रिंक बनाएंगे जो झटपट से बन जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, रेसिपी बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो रेसिपी के लिए यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम पहले डाल देंगे हमारी बिस्किट्स। तो यहाँ पे तीन सिंगल वाली जो बिस्किट मिलती है वो यूज़ की है मैंने, तो यहाँ पे मैं तीन बिस्किट डाल दूँगी। इन टोटल मेरे पास चार बिस्किट है, जिसमें से तीन जो है मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ तोड़कर, और एक बिस्किट को मैं प्रिजर्व करके रखूँगी गार्निश के लिए। तो ये तीनों बिस्किट्स जो है हम डाल देंगे हमारे मिक्सर ग्राइंडर में। बिस्किट के बाद हम यहाँ पे डालेंगे आइसक्रीम का एक बड़ा सा स्कूप। आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो आइसक्रीम आजकल जो छोटी मिलती है ना, चॉकलेट आइसक्रीम रेडी वाली, ये वो है। तो पूरा का पूरा मैंने बॉक्स डाल दिया है, यानी कि दो बड़े वाले स्कूप है ये। एक एक ही स्कूप इसमें डाला जाता है, और कंटेनर इस तरीके से होता है नीचे की एक स्कूप में पूरा भर जाता है। तो बस दो बड़े स्कूप आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम के जाएंगे। उसके बाद जाएगा फुल फैट मिल्क 400 ml। 400 ml फुल फैट मिल्क लिया है यहाँ पे मैंने। अब इसके बाद हम कर लेंगे इसे ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद अब हम इसे ग्लास में निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे आइस क्यूब। ये ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो आप आइस क्यूब डालो, वरना आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आइसक्रीम ऑलरेडी ठंडी है। नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब, नहीं किया ना अभी तक, पता था मुझे, इसीलिए मैं आ गई बीच में। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो अब हम इसे पोर कर लेंगे इस तरीके से ग्लास में, फिर ऊपर से हम गार्निश कर लेंगे इसे हमारी जो एक हमने बिस्किट बचाई है उससे। तो आप रेसिपी देखिए, ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत सब्सक्राइब करना। बस रेसिपी एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं इन्हें टॉप कर रही हूँ वही बची हुई बिस्किट के साथ। आप चाहें तो इसे पाउडर करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी चॉकलेट है। आप चाहें तो इस ये यूज़ ना करके आप थोड़ा सा ऊपर से कोई भी कैडबरी को श्रेड करके या थोड़ा सा कोको पाउडर से भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। तो हमारी जो जूस है वो रेडी है। इंजॉय, आप रेसिपी इंजॉय कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए।
सो आप लोगों ने देखा ये बहुत ही जल्दी जल्दी यानी कि झटाझट फटाफट बन जाने वाली ड्रिंक है। तो यहाँ पे मैंने यूज किए हैं डार्क फैंटेसी बिस्किट और उसके अलावा मैंने यूज किया है चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, स्वीटनिंग के लिए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्वीट होते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम मीठी होती है और बिस्किट भी जो है वो मीठी है क्योंकि उसके अंदर भी चॉकलेट की फिलिंग है। और मिल्क यूज़ किया है मैंने। दो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आप इस यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपको इसकी स्मूदी बनानी है, तो वो दो इंग्रेडिएंट है क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम आप यूज कर सकते हो, और एक या दो फ्रोजन बनाना आप यूज कर सकते हो, तो बन जाएगी चॉकलेट स्मूदी यानी कि चॉकलेट बिस्किट स्मूदी बन जाएगी आपके लिए। और आप ये भी अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को खूब सारा लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मैं मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। रेसिपी ट्राई करना और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि आपने जब इसे ट्राई की तो ये आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए रेसिपी ट्राई कीजिए और अल्लाह हाफिज़।